इस वीडियो पर मैं टॉप 5 फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका प्राइस 10,000 के अंदर है। जितने भी फ़ोन मैं पिक किया हूँ सभी फ़ोन ऑलराउंडर फ़ोन है और सभी फ़ोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है क्योंकि सभी फ़ोन 2021 में लॉन्च हुई थी। तो इस वीडियो में आपको सभी न्यू मॉडल के साथ फ़ोन मिलने वाला है। ऑलराउंडर फ़ोन के मतलब होता है जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छा हो, साथ साथ में कैमरा और बैटरी सभी चीज़ अच्छा हो। एक ऑलराउंडर फ़ोन में इस चारों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों का डिमांड था इस वीडियो के लिए, इसके लिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ। इसमें से एक फ़ोन ऐसी है जिसमें आपको 6 GB रैम देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ पलाश, आप देखो PDTech Life चैनल जहाँ पर ऑनेस्ट कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। वीडियो को नंबर 5 से स्टार्ट करने वाला हूँ और नंबर 1 पर ख़त्म करने वाला हूँ। नंबर 5 में आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स IN2B जो कि रिलीज़ हुई थी 6 अगस्त 2021। इसका 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, 464 जिसका प्राइस है 8,499 रुपीज़। सेकेंड वेरिएंट आता है 6 GB एंड 64 GB जिसका प्राइस है 9,499 रुपीज़। इस फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। पहले बता दूँ जितने भी डिवाइस का बारे में बताने वाला हूँ सभी डिवाइस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो लिंक में क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। बात करते परफॉर्मेंस की, आता है Android 11। इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है Unisoc T610 जो कि ऑक्टर के साथ आता है। रैम टाइप है LPDDR4X। बात करते डिस्प्ले की, इसमें आपको 652 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 82.63%। डिस्प्ले आता है विथ वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। इसमें आपको 400 निट्स तक ब्राइटनेस मिल जाएगा। आता है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बात करते कैमरा की, बैक साइड में 13 MP की प्राइमरी कैमरा जो कि आता है वाइड एंगल लेंस के साथ और 2 MP की डेप्थ कैमरा। इसमें आपको 4X डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, हाई डायनामिक रेंज पर कंटिन्यू शूटिंग मिल जाता है। फ्रंट कैमरा का बात करूं तो इसमें आपको 5 MP की कैमरा देखने को मिल जाता है। नाइट सेल्फी के लिए स्क्रीन फ्लैश भी मिल जाता है। फ़ोन आता है 4G स्लॉट के साथ और साथ ही ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी। बैटरी आता है 5000 mAh की टाइप सी पोर्ट के साथ। इस डिवाइस के साथ आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन का बात करूं तो इसमें आपको 8.6 mm की थिकनेस और साथ साथ में 190 ग्राम्स की वेट भी मिल जाता है। फ़ोन आता है 3 कलर के साथ, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। आगे बढ़ते नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 9 Active जो कि लॉन्च हुई थी 24 सितंबर 2021। बेस वेरिएंट आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 9,499 रुपीज़। बात करते परफॉर्मेंस की, मिलता है एंड्रॉयड 10 के साथ MediaTek Helio G35। रैम टाइप आता है LPDDR4X। डिस्प्ले का बात करूँ, डिस्प्ले आता है 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 81.08%। डिस्प्ले आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। ब्राइटनेस का बात करूँ, इसमें आपको 400 निट्स तक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते कैमरे की तरफ, 13 MP की वाइड एंगल लेंस मिल जाता है जो कि प्राइमरी कैमरा है। सेकंड आता है 2 MP की डेप्थ, डिजिटल जूम, टच टू फोकस, ऑटो फेस डिटेक्शन, कंटिन्यू हाई डायनामिक रेंज फिर वीडियो शूटिंग सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 5 MP की कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी आता है 5000 mAh की बैटरी मैक्रो USB केबल के साथ। ये एक 4G फ़ोन है, ब्लूटूथ आता है 5.0 के साथ। इसमें भी आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। थिकनेस की बात करूँ, आता है 9 mm की थिकनेस और साथ साथ में 194 ग्राम्स की वेट। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 3 में आता है पोको C31 जो कि रिलीज़ हुई थी 2 अक्टूबर 2021। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, आता है एंड्रॉयड 10 MediaTek Helio G35 ऑक्टर के साथ। रैम टाइप LPDDR4X। डिस्प्ले आता है 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 80.97%। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। बात करते कैमरे की, बैक साइड में ट्रिपल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन जो रियर कैमरा वो आता है 13 MP की और 2 MP मैक्रो एंड 2 MP डेप्थ कैमरा। फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, LED फ्लैश, कंटिन्यू शूटिंग, हाई डायनामिक रेंज, डिजिटल जूम सभी कुछ मिल जाता है।
फ्रंट में मिलता है 5 मेगापिक्सल की कैमरा। नाइट सेल्फी के लिए स्किन फ्लैश भी मिल जाता है। बैटरी आता है 5000 mAh की, जिसको चार्ज करने के लिए आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी का बात करूँ, एक 4G फ़ोन है, ब्लूटूथ देखने को मिलता है 5.0, इसमें भी आपको बैक साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है। डिज़ाइन का बात करूँ, 9mm की थिकनेस और साथ ही साथ में 194 ग्राम्स की वेट। आगे बढ़ते नंबर 2 की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 2 में आता है मोटो E40, जो कि रिलीज हुई थी 7 अक्टूबर 2021। बेस वेरियंट आता है 4GB रैम 64GB इंटेल मेमोरी के साथ, जिसका प्राइस है 10,000। परफॉर्मेंस की बात करूँ, आता है एंड्रॉइड 11 यूनिसेक T700 ऑक्टोर के साथ। रैम आता है LPDDR4X। डिस्प्ले की बात करूँ, इसमें आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD मिल जाता है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 81.72% विथ पंचोल डिस्प्ले। इसमें आपको 400 निट्स तक ब्राइटनेस मिल जाता है। बात करते हैं कैमरा की, इसमें आपको रियर कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल की 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरा एंड परफॉर्मेंस को लेकर इस फ़ोन नंबर 2 में होना चाहिए था। बैटरी आता है 5000 mAh के साथ टाइप सी पोर्ट के साथ। ब्लूटूथ मिलता है 5.0, इसमें भी आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है। आता है 9.1mm की थिकनेस के साथ और साथ ही साथ में 198 ग्राम्स की वेट। आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के टॉप फ़ोन की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 1 में आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10S, जो कि रिलीज हुई थी 27 मई 2021। आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 10,000। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 MediaTek Helio G85 ऑक्टाकोर के साथ। रैम टाइप आता है LPDDR4X। डिस्प्ले की बात करूँ, जितने भी फ़ोन अभी तक बात किया हूँ मैं, इसमें आपको बिग डिस्प्ले मिल जाता है कंपेयर टू बाकी फ़ोन। 6.8 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 83.23%। इसमें भी आपको बाकी फ़ोन की तरह वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है, बट इसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस मिलता है 440 निट्स तक। तो आपने देखा है, प्रोसेसर एंड डिस्प्ले सभी कुछ बढ़िया मिल जाता है इस फ़ोन में। तो बात करते हैं कैमरे का तरफ। कैमरा इसमें आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल की रियर कैमरा, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ कैमरा और 8 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा। बैटरी देखने को मिल जाता है इसमें 6000 mAh की बैटरी। हमारे लिस्ट में जितने ही फ़ोन थे, किसी में भी 6000 mAh बैटरी नहीं थे, सभी में 5000 mAh की बैटरी थे, बट ये डिफरेंट है, इसमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। आता है माइक्रो USB पोर्ट के साथ। इसमें आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छा मिल जाता है, DTS साउंड क्वालिटी कंपेयर टू बाकी फ़ोन। आता है ब्लूटूथ 5.0, इसमें भी आपको बैक साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है। थिकनेस का बात करूँ, 9.2mm की थिकनेस और साथ ही साथ में 211 ग्राम्स की वेट मिल जाता है। तो इस फ़ोन के साथ आपको वेट थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी जो मिल रहा है। आप नंबर 2 एंड नंबर 1 किसी के फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अगर आप मोटो कंपनी को ट्रस्ट करते हो कंपेयर टू इन्फिनिक्स, तो आप मोटो की तरफ भी जा सकते हो, मोटो E40 की तरफ। अदरवाइज आप इन्फिनिक्स हॉट 10S की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका मतामत कमेंट भी कर देना। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी भी बजा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।